नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर कन्ना समिति चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने चुनाव को निरस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। देर रात बिजनौर जिले के अधिकांश थानों में भाकियों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और चुनाव को निरस्त करने की मांग उठाई। दरअसल आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले चल रहे इस धरने का आयोजन कई दिनों से किया जा रहा है। भारी संख्या में किसान इकट्ठा होकर कल कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए थे। अधिकारियों द्वारा उनकी मांगे पूरी ना करने पर किसान उग्र हो गए, तहसील के सामने पहुंचकर मेरर पौड़ी हाईवे को भी जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद गन्ना समिति में धांधली के आरोपों को लेकर किसान जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी के नेतृत्व में जिला कारागार की ओर रवाना हो गए। देर रात करीब एक दर्जन थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों ने चुनाव को रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की। भाई सुबह से मतलब 3 दिन से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है सोसाइटी में, मतलब जो गन्ने के डेलीगेशन के ऊपर जो पर्चे निरस्त करे गए हैं। 3 दिन से कुछ करने को ये तैयार नहीं है। अभी हम रोड की तरफ चले तो इन्होंने रोड पे कहा कि भाई अभी आ रहे हैं, अभी करेंगे निस्तारण इसका। रोड पे से हम तहसील के गेट पे बैठ गए। मैं कहा भाई आधे घंटे का इन्होंने समय मांगा था, आधे घंटे के समय के बाद में हमने कहा भाई चलो हमें तुम यहाँ, तो हम लोकतंत्र की मतलब बचा ही नहीं सकते लोकतंत्र को, ठीक है, तो जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, लोकतंत्र की हत्या होती हुई हम देखेंगे, तो भाई हम यहाँ नहीं देख सकते, हमें तुम जेल ले चलो। तो हम जब जेल गए तो जेल में भी पक्के वारंट बना के हम अंदर भेजने को तैयार नहीं। तो भाई हम जब पक्के वारंट बना के भेजने को तैयार नहीं तो हम संबंधित थाने पे, सदर वाले थाने पे यहाँ आकर इकट्ठा हो गए, भाई हमें तुम जेल भेज दो, क्योंकि हम इस तरीके से अब लोकतंत्र की हत्या होते हो हम नहीं देख सकते। अजय जी, 3 दिन हो गए आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, अधिकारी क्यों नहीं सुनना चाह रहे आप लोगों की बात? आपके साथ भाई ये प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है, कहीं ना कहीं प्रशासन का कहीं ना कहीं प्रेशर है, जो सत्ताधारी लोग हैं उनका प्रेशर है, उसी तरीके के निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी मतलब वो जैसे कहेंगे ना कि उनकी बहू बनने की तैयारी में है, भाई बहू बन लिया उनके लगभग, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर थाने भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो तो अगला कदम क्या आपका? देखो ये आंदोलनकारी लोग हैं, हम अगला कदम तो हम बैठ के निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमें भाई तीसरा मोमेंट हो गया है सुबह से, तो अगर हम निर्णय अभी बता दें तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन सभी लोगों का जो विचार होगा उसी तरीके का काम करेंगे। अभी कल यहाँ रहने की मतलब सुबह से भी प्रशासन आपसे लगातार बात कर रहा, आप भी प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं, तो निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा? भाई निर्णय तो इनके हाथ में था, निर्णय में हम एक ही बात कह रहे थे, जो रसीद इन्होंने हमें दी थी उस रसीद के लिए इनके पास सारा ब्यौरा है, उस रसीद को मतलब छुपाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई रसीद अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस रसीद को मांग रहे हैं, उस रसीद को इन्होंने निकाल कर वहाँ से कागजों में से फाड़ दिया। तो जब वो कागज में से फाड़ दिए, निकाल के इन्होंने फाड़े हैं और इनके पास सब कुछ है, और उसके बाद भी ये कुछ करने को तैयार नहीं, तो भाई इनके पास ही जो भी कुछ है, क्योंकि ये सत्ता के अधीन है, सारे बंधे हुए हैं सत्ता से सारे के सारे, और ये जनता ही चुनने का काम करे, इस तरीके से नहीं है ना, एक मतलब एक ही मैदान में दंगल में एक ही आदमी खड़ा करा और उसके हाथ ऊपर करवा दिए कि तू विजय हो गया, इस तरीके की पॉलिसी है इनकी। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।